मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नवंबर 2018 में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 सीट में 68 सीट जीत के इतिहास रच दीस। जेन 3 राज्य में कांग्रेस ला जीत मिलीस ओमा से छत्तीसगढ़ 3/4 सीट जीत के सबले आघू रहीस। भूपेश बघेल 17 दिसंबर 2019 के शपथ लिस और तुरते 1.5 घंटा के अंदर 16.65 लाख किसान मन के 6100 करोड़ के राशि के कर्ज माफी के आदेश में हस्ताक्षर करीस। ऐसे करके मुख्यमंत्री है बता दिस कि चुनाव में करे वादा ला पूरा करे बर सरकार है कतना संवेदनशील और गंभीर है। मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। फिर और एक निर्णय लेगी जेमा किसान मन के धान 2500 रुपया प्रति क्विंटल के दर ले खरीदे के आदेश पारित हुईस। 10 दिन के अंदर किसान मन के कर्जा के राशि उखर बैंक के खाता मा पहुँचे लग गए। उखर बाद हमर मुख्यमंत्री हा बस्तर के रुख करीस और लोहड़ी गुड़ा मा आदिवासी मन के जमीन ला वापस लौटाए के निर्णय करीस। ये जमीन उद्योग लगाए बर आदिवासी मन से अधिग्रहित करेगी रहीस। जेन उद्योग नहीं लगे के बाद भी ओ मन ला जमीन वापस नहीं मिले रहीस। तेंदू पत्ता श्रमिक मन बर 2500 रुपया प्रति मानक बोरा ला बढ़ा के 4000 करे के निर्णय घलोक लेगीस। हमारा लक्ष्य है जीवन स्तर उन्नयन के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़े और गरीबी दर में निर्णायक कमी आए। इस प्रकार हम प्रदेश की समृद्धि को सबकी खुशहाली का माध्यम बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में छोटे भूखंड के खरीदी बिक्री में लगे रोक ला हटा के लाखों मनखे मन ला राहत प्रदान करीस। संगे संग कॉलेज मा सहायक प्राध्यापक के भर्ती शुरू करीस और संविदा कर्मी मन के स्थान मा नियमित कर्मचारी के भर्ती के आदेश पारित करीस। न्याय दिलाए के क्रम मा मुख्यमंत्री हा झीरम कांड और नान घोटाला के जांच पर SIT के गठन करीस और जाँच शुरू करवाईस। ऐसने पत्रकार मन बर कानून बनेस और छत्तीसगढ़ पहली ऐसे राज्य बनीस जिहां पत्रकार मन के सुरक्षा बर कानून बनाए गए है। अतना निर्णय हमर मुख्यमंत्री हा अपन सरकार बने के मात्र 1.5 महीना मा लेके बता दिस कि जनहित बर प्रतिबद्ध सरकार कैसे होते। भूपेश बघेल के पहचान मुखर आवाज और तीखा तेवर के संगे संग सीधा लड़ाई लड़े वाला राजनेता के है। गहरा सामाजिक सरोकार के संग आम आदमी के मुद्दा पर संघर्ष करे वाला के रूप मा वो हा जाने जाते। उखर लोकप्रियता ओला जन नेता के रूप मा स्थापित करत गिस। 10 साल के उम्र मा खेती कार्य ले जुड़े हमर मुख्यमंत्री एक किसान हवे और वो हा किसान मन के सब्बो पीड़ा ले भली भांति परिचित है। अपन राजनीतिक सफर के शुरुआत भूपेश बघेल हा युवक कांग्रेस ले करिस। 1992 मा बाबरी मस्जिद ढहाए के बाद दुर्ग जिला में 350 किलोमीटर के सद्भावना पद यात्रा करैया वो हा पहली राजनेता रहीस। 32 वर्ष के उम्र में अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा में पहुंचीस और बड़कन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के निर्वहन करत अपन अलग छाप छोड़ीस। भूपेश बघेल हा अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री ले संबद्ध मंत्री ओखर बाद परिवहन मंत्री के प्रभार मिलिस। संगे संग मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष बनीस। यहाँ 6 महीना के अल्पावधि में भूपेश बघेल हा निगम ला घाटा ले उबार के लाभ वाले निगम के श्रेणी में ला दिस। वर्ष 2000 मा नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में घलोक बड़कन महत्वपूर्ण विभाग के जिम्मेदारी भूपेश बघेल ला मिलिस जेमा
राजस्व, पुनर्वास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे विभाग ला संभालत हुए वो हा सूखाग्रस्त राज्य के जनता ला राहत देमा उल्लेखनीय भूमिका निभाईस। वर्ष 2003 ले 2018 तक लगातार विपक्ष के नेता के रूप में घलोक काम करिस और सदन में एक दमदार नेता के छवि स्थापित करिस। 2013 में भूपेश बघेल ला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के जिम्मेदारी मिलिस ता प्रदेश में जन आंदोलन के माध्यम ले जन जन के मुद्दा में निर्णायक संघर्ष के ऐलान करिस और निर्भीकता के संग ये लड़ाई ला शिखर तक पहुँचाइस। किसान, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोगन, चिटफंड पीड़ित और बेरोजगार मन के बीच पहुँच के संघर्ष करिस और सरकार ला अपन निर्णय मा पुनर्विचार करे बर बाध्य करिस। अपन राजनीतिक संघर्ष ला छत्तीसगढ़ के अस्मिता ले जोड़िस और छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरुवा, बारी के नारा दिस। ये नारा के माध्यम ले वो छत्तीसगढ़ के जनता ला संदेश दिस कि छत्तीसगढ़ के छवि इही रद्दा ले बदलही। अपन लोक आंदोलन बर भूपेश बघेल हा जेल तकोगिस लेकिन अपन रद्दा ले हटिस नहीं बल्कि नवा जिद और जुनून के संग संकल्प ला अंजाम तक पहुँचाए बर संघर्ष करिस।